नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम स्टडी करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि इसमें वाक्य कौन से आते हैं। पहला वाक्य है, वर्षा 2 घंटों से हो रही होगी। वे इस घर में 1980 से रह रहे होंगे। तो एक तो समय बताया हुआ है और दूसरा रही रहे यह शब्द है, तो यह तो कंटिन्यूस की निशानी होगी। गी गे ऐसा हो तो फ्यूचर की होगी। कैसे पहचान कैसे करेंगे? गा गे गी से हमें पता चल जाएगा कि यह फ्यूचर टेंस है। काम के पूरा होने का संकेत पता चले, जैसे वे इस घर में 1980 से रह रहे होंगे, तो पक्का काम है ना। ये तो काम के पूरा होने का संकेत मिल रहा हो, पक्के काम का संकेत मिल रहा हो तो परफेक्ट हो जाएगा। रहा रही रही रहे ऐसा शब्द आ जाए तो कंटिन्यूस हो गया। अब वो परफेक्ट और कंटिन्यूस दोनों है ये कैसे पता चले? समय अगर बताया हो तो। समय का बताना बताता है कि दोनों टेंसेस का मेल हो चुका है। सबसे इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से आप पहचान सकते हो। वाक्य से पता चलता है कि कोई काम किस समय से हो रहा होगा, तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि यह फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। हमने करना क्या है? हमने या तो विल हैव बीन और आईएनजी की फॉर्म या फिर शैल हैव बीन और आईएनजी की फॉर्म का इस्तेमाल करना है। जो सेंस और फॉर है इसका प्रयोग भी हमने वाक्य में करना है। समय के संदर्भ में सेंस तब लगाना है जब पॉइंट ऑफ टाइम दिया हो, और फॉर तब लगाना है जब पीरियड ऑफ टाइम दिया हो। अब बात आती है कि पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है। जब हम यह कहें कि 4 बजे से, जब हम कहें 4 बजे से तो पॉइंट ऑफ टाइम है। अगर कहें 4 घंटों से तो पीरियड ऑफ टाइम है। जब पीरियड ऑफ टाइम है तो फॉर लगेगा। आई और वी के साथ हमने शैल लगाना है। यू हो, ही, शी, इट, दे, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन हो तो उसके साथ हमने विल लगाना है। जो पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं उनमें क्या है? वर्षा 2 घंटों से हो रही होगी। इट विल हैव बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स। फॉर क्यों लगा? क्योंकि 2 घंटे एक पीरियड ऑफ सब टाइम है, समय की अवधि है। अब दूसरा वाक्य, वे इस घर में 1980 से रह रहे होंगे। दे विल हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1980। यहां पॉइंट ऑफ टाइम दिया है तो सिंस लगेगा। अगर यहां कहा हो 4 बजे से तो यह भी पॉइंट ऑफ टाइम है। आपने वाक्य कौन सा बनाना है? वह 2 घंटों से पत्र लिख रहा होगा। नेगेटिव सेंटेंसेस में ज्यादा कुछ नहीं करने को होता। आपने विल के साथ या शैल के साथ नॉट लगा देना है। वर्षा 2 घंटों से नहीं हो रही होगी। इट विल नॉट हैव बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स। वे इस घर में 1980 से नहीं रहे होंगे। दे विल नॉट, बस नॉट साथ लगाना है। दे विल नॉट हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1980। आपने कौन सा वाक्य बनाना है? वह 2 घंटों से खेल नहीं रही होगी। और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या वर्षा 2 घंटों से हो रही होगी तो प्रश्न है, तो हेल्पिंग वर्ब वाक्य के शुरू में लग जाएगा। विल इट हैव बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स। क्या वे इस घर में 1980 से रह रहे होंगे? तो जब हम दे विल के साथ वाक्य बनाना था, अब विल दे कर दे। विल दे हैव, यहां बीन आ जाएगा। विल दे हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1980। आपके लिए वाक्य है, क्या हम 2 घंटों से खेल रहे होंगे? तो ये आपने बनाना है। उम्मीद है कि आपको यह टेंस जो है अच्छी तरह समझ आ गया होगा। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।